अभी हम ग्रीन बेल्ट पार्क जम्मू में है और यहाँ पे हमारे पीछे आप देखेंगे देवेंद्र राणा जी जो कि भाजपा के सीनियर नेता हैं, उनके घर के बिल्कुल सामने जो पार्क है वहाँ पे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ रमसा के कुछ टीचर्स मौजूद हैं जो कि देवेंद्र सिंह राणा जी के पास यहाँ पे उनसे मिलने आए थे। अपनी जो इनकी समस्याएँ हैं वो समस्याएँ जो हैं उनसे उनको अवगत कराने के लिए आए थे और हम बातचीत करेंगे इनसे क्या कुछ दिक्कतें परेशानियाँ जो हैं इनको आ रही हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम महरुख बाली है और मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। सर, ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये मेरे साथ सारे रमसा टीचर्स हैं। हम एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम के तहत जो है वो रिक्रूट हुए थे 2018 में। सो हमारी जो है एग्ज़ाम लिया गया, रिटर्न हुआ, मेरिट हमारा बना और हम लोग सिलेक्शन हुई। हम 550 टीचर्स जो हैं सेलेक्ट हुए यहाँ पर। सर, हमने एक साल काम किया और उसके बाद हमारा एक्चुअली जो था कि आपको हर साल कंटिन्यू किया गया। हमारी जो सेंटर स्पॉन्सर्स इस स्कीम के तहत हमारा जो है कि आपको एक साल तक काम करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो एक साल हम लोगों ने अपनी जान लगा कर काम किया और हमें बहुत दूर फार फ्लंग एरिया में जो है हमारे स्कूल जो थे वो अपग्रेड हुए थे रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत। तो सर, हम जितने भी टीचर्स हैं हमने जान लगा कर वहाँ काम किया। हमारे से पहले वहाँ पर कोई बिल्कुल भी परफॉर्मेंस जो है अच्छी नहीं आती थी, 0-20% होता था ऐसा। हमारे जाने के बाद बहुत सारे स्कूल जो हैं उनकी परफॉर्मेंस 75-80 तक एक्सीड हुई। ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी और हमें उन्होंने एक साल तक तो चलो ठीक है हमने काम किया, उसके बाद उन्होंने हमें जो है टर्मिनेट कर दिया गया। और उसका कोई बेस ही नहीं था कि हमने पूछा भाई हमें क्यों टर्मिनेट, अभी हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमें मतलब कंटिन्यूटी मिलनी थी। तो सर, डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं जवाब दिया, उन्होंने हमें जो है टर्मिनेट कर दिया। हम बाहर आ गए और फिर थोड़े टाइम के बाद उन्होंने हमें 3 मंथ्स का रिहायरिंग का ऑर्डर दिया और 3 मंथ्स तो हमने फिर से काम किया और उसके बाद फिर से उन्होंने हमें टर्मिनेट किया, देन 1 मंथ का फिर से रिहायर किया और फिर से टर्मिनेट किया। सर, ये जो टाइम था इस टाइम में ना तो हम कुछ और पढ़ सके। सर, आप देखेंगे हमारे साथ जो जम्मू और कश्मीर में जो रमसा रिक्रूटेड टीचर हैं उनमें से मैक्सिमम जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड है, क्योंकि हमारी जो सिलेक्शन हुई थी वो PGBEd बेसिस पर हुई थी। हम सारे PGBEd हैं और हम उसके अलावा हम लोग PhD होल्डर हैं। इवन मैं भी PhD होल्डर हूँ, मेरे साथ बहुत सारे नेट सेट PhD होल्डर क्वालिफाइड टीचर हैं और अपने जान लगा कर काम कर रहे थे और उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। सर, कोई बेस ही नहीं था कि उन्होंने हमें क्यों बाहर निकाला। बस इस चीज़ की डिमांड है कि हमें जो है डिपार्टमेंट में वापस लिया जाए। कितने लोग हैं ये सारे? सर, 550 टीचर्स हैं हम पूरे जम्मू कश्मीर में। और सर, हम इस टाइम बाहर हैं, हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं बट टीचर्स नहीं आ रहे हैं। तो ये आपने को केस वेस भी किया था कोर्ट में कुछ? जी, केस हाँ हमने जो है वो फाइल किया है कोर्ट में। केस जो कोर्ट का था वो हमारे फेवर में ही आया उनका, बट डिपार्टमेंट जो है इस पर कोई भी वो चुप्पी साधे हैं, कोई भी मतलब उनकी वो नहीं, वहाँ से कुछ नहीं आया। हक में फैसला है? जी, हमारे हक में ही फैसला है। क्या फैसला आया है? कि आपको एंगेज कर दिया जाए, कि इनको रिहायर किया जाए, फिर से एंगेज किया जाए, क्योंकि उस स्कूल में सिर्फ वो अपग्रेडेड स्कूल थे थ्रू रमसा, क्योंकि उसमें सिर्फ रमसा के ही टीचर लगेंगे। हाँ, और कोई नहीं मतलब वहाँ पर उनको पढ़ा सकता था और हम ही पढ़ा सकते। बोलना चाहूँगी सर, मेरा नाम है चांद सूदन और मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2017 में ये एक एडवर्टीजमेंट हमारी आई थी और जिसके तहत जो बेसिक एलिजिबिलिटी थी दैट वाज PG इन रिलेवेंट सब्जेक्ट प्लस BEd। और इसमें अगर हम ये कह सकते हैं अगर बेसिक क्वालिफिकेशन इतना है तो हायर तो हम इमेजिन नहीं कर सकते। PhD नेट सेट क्वालिफाइड जो है हमारे साथ इसमें लगे हैं। एंड आफ्टर दैट इसमें हमारा एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कायदा लिया गया और एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये हुआ कि जो पूरा एक्सपेंडिचर उस टाइम पे इसके लिए आया था वो कोई नियर अबाउट 70-80 लाख था। अब मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से ये है कि अगर एक्सपेंडिचर जो उस टाइम पे इतना अगर 70-80 लाख हुआ तो दैट इज़ जस्ट फॉर 1 ईयर। आई एम होल्डिंग अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर इट। अगर उसके बाद हम बात करें तो हमारा पूरा साल का ये कॉन्ट्रैक्ट था और साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद हमें जो है हमें इंस्टॉलमेंट्स भी आप कह सकते हो कि हमें जो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो हमें इंस्टॉलमेंट में मिलने लगा। हमें फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए रिहायर किया गया, आफ्टर दैट फॉर 1 मंथ, और उसके बाद आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन हो गई, हम कह सकते हैं कि सेक्रेटरीट को काफ़ी देर बाद जब हमने फिर से कॉन्टिन्यू किया तो वहाँ पर क्लियरली ये था कि हमें एश्योरेंस पे एश्योरेंस मिलती जा रही थी।
सबसे पहले हमें कमिश्नर साहब असगर सामून साहब ने हमें बहुत ज़्यादा एश्योरेंसेस दी, बकायदा ट्वीट्स हमारे रिलेटेड किए गए कि जैसे ही स्कूल ओपन होंगे इनको लिया जाएगा। उनके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया, बीके सिंह साहब आए, उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा एश्योरेंसेस दी और एट दी एंड एश्योरेंस मिलकर भी वी आर स्टिल हेयर। मतलब हम अभी भी कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा हमारा केस जेन्यून होने के बावजूद, हम ये नहीं कहेंगे इमोशनल ग्राउंड्स पर कि हमारा केस स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली तो हम ये भी कह सकते हैं हम पीएचडी होल्डर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, या हम ये भी कह सकते हैं हम ओवर एज कोटा हमारे साथ यहाँ पर है, लेकिन अगर लॉजिकल ग्राउंड्स पे बात करें तो हमारे नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था कि ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंसेस आपको जो है आगे कंटिन्यू किया जाएगा, जैसे हमारे अदर विंग्स के साथ होता है। जैसे आप स्पेशल एजुकेटर्स की बात कर लें, ड्राफ्ट्समैन की बात कर लें, असिस्टेंट प्रोग्रामर्स की बात कर लें, वो भी हमारी ही टर्म्स एंड कंडीशन में दे आर स्टिल वर्किंग। और मैं ये भी कहूँगी कि एट द एंड जब हमें लगा कि सेक्रेटरीट जो है सिर्फ हमें फेक एश्योरेंसेस दे रहा है, हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से फेवरेबल डिसीजन जो हमारे फेवर में आया कि इनको हायर किया जाए, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं स्पेशल एजुकेटर्स के साथ, असिस्टेंट प्रोग्रामर्स के साथ है, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे इनको भी लिया जाए। बट और जो रमसा है वो ऑल ओवर इंडिया में है, मैं कह सकती हूँ पंजाब और मणिपुर में ये हम लोग तो मतलब रेगुलराइज ही हो गए, पर पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्यों है। हम तो रेगुलराइजेशन का क्लेम भी नहीं मांग रहे हैं, हम जस्ट चाहते हैं कि जैसे हमारी स्कीम कंटिन्यू है हमें भी वहाँ तक कंटिन्यू किया जाए। फाइनेंशियल हमारे कोई क्राइसिस नहीं है, 2026 तक ये स्कीम जो है वो एक्सटेंड है और इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरी जेन्यूनेस इन दिस केस, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब कि जो पर्प्लेक्सिटी यहाँ पर हो रही है, क्यों मतलब कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पे बिल्कुल चुप है, वो क्यों नहीं इस बात पे कर रहा। अब ये भी है कि हालांकि हमने कंटेम्प्ट का भी पिटीशन फाइल किया था, उसका भी अभी रिप्लाई आना है और वी आर वेटिंग फॉर दैट कि हमारे फेवर में आए, पर पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक इतना चुप क्यों है। जब टर्मिनेट किया गया था तब कोई कारण तो बताए गए होंगे ना? सर हमें कोई कारण नहीं दिया गया, उस टाइम एब्रोगेट हो गया आर्टिकल और उसके बाद इन्हें कहा गया कि आपको लिया जाएगा, लिया जाएगा, लिया जाएगा, वो लिया जाना पता नहीं कब खत्म होगा। वी आर स्टिल हियर और हमारा करियर पूरा रुइन हो गया इससे, हमारा करियर आप कह सकते हो खराब हो गया। 3 साल से हम लोग टर्मिनेट होकर बैठे हुए हैं और फारूक खान साहब ने तो हमारे मतलब बिल्कुल अप्रूव्ड भी कर दिया था, फिर उनका भी ट्रांसफर हो गया। आप कह सकते हो कुछ मिसफॉर्चून हैपनिंग है हमारे साथ कि जब हमारा काम होने लगता है कोई ना कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि वो काम वहीं पे रुक जाता है। तो अब यही है, हम यही एलजी साहब से भी गुजारिश करेंगे प्लीज़ लुक इनटू द मैटर और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं कि प्लीज़ हमारी सर्विसेज को जो है रिहायर किया जाए, जैसे कि कोर्ट ऑर्डर्स आए हैं प्लीज़ उनको वैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हम स्कूल में फार फ्लंग एरियाज़ में जो बच्चे हैं उनको पढ़ा सके, उनको क्वालिटी एजुकेशन दे सके, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक मेन आप कह सकते हो एम है क्वालिटी एजुकेशन देना, उससे तो मुझे लगता है बच्चे अभी भी महरूम हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन फार फ्लंग एरियाज़ में तो दी नहीं जा रही, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन जो है फाफ लंग एरियाज में इंपार्ट की जा रही है। मैं तो यही कहूँगी। अभी जिस तरह से आप देवेंद्र राणा जी के घर पे आए थे, क्या बातचीत हुई आपकी और क्या वहाँ से आश्वासन मिले? लास्ट टाइम भी उनकी हुई थी कमिश्नर साहब से बात, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम इनके डिसीजन इनके फेवर में लेंगे, बट नहीं आता। आप कह सकते हो ना वर्बली टॉक्स हैं, अभी तक इस चीज़ का मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। कोई पॉलिटिशियन हमने नहीं छोड़ा, कोई आप कह सकते हो सेक्रेटरीट का किसी ब्यूरोक्रेट को हमने नहीं छोड़ा। मतलब अब फाइनली आप कह सकते हो कि मीडिया का सहारा हमें लेना पड़ रहा है, क्योंकि मीडिया को कहा जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि एटलीस्ट हमारी आवाज़ जो है यहाँ से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन तक एटलीस्ट पहुँचेगी। इससे पहले आपने मीडिया में भी नहीं दिया? मीडिया में हमने सर एक बार स्टार्टिंग में दिया था, लेकिन हमें लगा था हमारा केस इतना जेन्यून है कि इसमें तो कोई लूप होल है ही नहीं कि हम कहें कि हमें मीडिया का सहारा लेना पड़े, इसलिए हम लोगों ने सेक्रेटरीट के थ्रू ही चाहा कि हमारी चीज़ को जो है जस्टिस मिले। बट जब आप देख सकते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए हैं, सब कुछ हमारे फेवर में है, फिर भी ये लोग अगर हमें नहीं ले रहे हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो फाइनली आज हमें आपका सहारा लेना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कैलाश सिंह है, हम बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रामन से। सर कैलाश जी, कितना समय हो गया आपको ये दर-बदर की ठोकरें खाते? सर ये अभी हमें हाल ही 3 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। हम कभी एक ऑफिशियल से दूसरे ऑफिशियल, कभी जम्मू सेक्रेटरीट, कभी श्रीनगर सेक्रेटरीट, 2-2.5 साल, इवन कि हमारे कुछ कलीग्स थे वो दिल्ली भी गए MHRD, लास्ट टाइम के जो रमेश पोखरियाल जी थे उनसे भी मिले, बट अभी तक हमारा मसला वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। तो क्या उम्मीद करते हैं? हाँ हमें सर होप सर अभी तो यही था कि कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया, हम चाहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर भी हमारे फेवर इम्प्लीमेंट। सर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, जो ये रमसा स्कीम है, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो स्कीम जम्मू कश्मीर में 2009 में लॉन्च हुई थी, जिसका मेन मकसद था क्वालिटी एजुकेशन 9th, 10th या सेकेंडरी क्लास को देना, जैसे SSA 1st to 8th है और टीचर एजुकेशन 11th, 12th है,
तो ये तीनों स्कीमें मर्ज करके एक बनी नई स्कीम समग्र शिक्षा। अब समग्र शिक्षा 2018 में हम लोग अपॉइंटमेंट हुई, हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन पीजी बीएड रखेगी और जिसमें हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी, जैसे एमएससी साइंस वाला साइंस टीचर बने, एमए हिस्ट्री वाला हिस्ट्री का टीचर, वैसे ये समग्र शिक्षा जिसका मेन स्लोगन भी है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, सब पढ़े सब बढ़े। मगर ये हमने हम ये जानना चाहते हैं क्या रमसा स्कीम क्वालिटी जो जे एंड के में ग्राउंड लेवल की क्या सता है। यहाँ अगर रमसा स्कूल 110 हाई स्कूल अपग्रेड हुए 2014 में, तो अब 110 स्कूलों में जिन स्कूल में काम कर रहे थे वहाँ पे हार्डली 2-4 टीचर हैं और उसके अलावा स्कूल कुछ नहीं है, वहाँ पे लेवल स्टैंडर्ड जो बड़ा लो है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम के थ्रू अपने एलजी सर और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लीज़ सर हमारे फ्यूचर को देखकर, हमारे बड़े लोग हाई क्वालिफाइड है जिन बहुत बड़े एवरेज हो चुके, फोर टेबो क्रॉस एज हो चुकी है, हमारे फेवर में सोचा जाए, देखा जाए, हमें आपसे बड़ी होप है। और सर आप अभी हमारे जम्मू कश्मीर की राज्य के लिए बहुत बढ़िया कार्यकार कर रहे हैं। देवेंद्र राणा जी से कितनी होप है? सर जी हम अभी आए हैं, अब सर हम मिले थे लास्ट टाइम, हमें सर होप है अगर मैं भी सर कुछ हो जाए आज भी। तो यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुरारी शर्मा है। अंत में सर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, टीचरों ने सब कुछ बोल दिया है। अंत में सर जम्मू कश्मीर केंद्र प्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा से हमारी ये प्रार्थना है कि हमारी जो समस्या है, हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान कीजिए। अगर ये रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक ऐसी भारत सरकार की योजना है जो पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक मतलब केंद्र शासित देश में चल रही है, भारत के हर एक राज्य में चल रही है, तो हमारी भी ये प्रार्थना है कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी इसको लागू किया जाए। क्योंकि पहले ये हमारे राष्ट्रीय क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे थे कि एक विधान एक प्रधान एक निशान का नारा दे रहे थे, अगर जब हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने में चल रही है स्कीम, तो हमारे जम्मू कश्मीर में साथ हमारे साथ भेदभाव क्यों। हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारी समस्या का जल्दी जल्दी समाधान कीजिए। थैंक यू। पिछले 3 सालों से आपको आश्वासन मिल रहे हैं, अगर ऐसा ही चलते रहा तो क्या कुछ कड़े कदम उठाने जा रहे हैं आप? सर कड़े कदम उठा, कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट ने तो हमारे सर हक में फैसला दिया है, तो अभी देखते हैं सर, लगता है हो जाएगा, मतलब हमें इसका स्ट्रगल करना चाहिए, हो जाएगा। हाँ होप है सर, तो हो जाएगा। चलिए शुक्रिया हमारे बातचीत करने को। तो ये थे हमारे साथ रमसा से टर्मिनेट हुए कुछ टीचर्स, जिनके द्वारा दर दर पे जाके जो है ये गुहार लगाई जा रही है कि हमें जो है रेगुलराइज किया जाए। इसी तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ एयर इंडिया। मैं अरफाज़ मडायंग कैमरा मैन शाहनवाज के साथ।